नेहा जब छोटी होती है तभी उसकी माँ गुजर जाती है। नेहा के पिता जिनका नाम राजू होता है वो दूसरी शादी करते हैं। नेहा की माँ सौतेली होने के बावजूद नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। नेहा के पिता बहुत शराबी होते हैं, रात दिन वो बस शराब पीते और नेहा की माँ को मारा करते थे। नेहा की माँ रेखा कहीं बाहर जाने की सोचती है, लेकिन राजू के ऐसे बिहेवियर के कारण नेहा की माँ हमेशा वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वो हमेशा नेहा को देख के कहीं नहीं जाती। एक दिन नेहा के पिता बिना वजह से नेहा पर हाथ उठाते हैं। रुक जाइए, क्या आपको शर्म नहीं आती इतने जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए? तू बीच में मत पड़, वो मेरी बेटी है, मैं मारूं या कुछ भी करूं तुझे उससे क्या? वो मेरी बेटी है, अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो। बिना कुछ कहे उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। माँ मुझे पापा का बहुत डर लगता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसे क्यों शराब पीते हैं? मैं उन्हें समझा कर थक गई हूँ बेटा, पर तुम्हारे पापा सुनते ही कहाँ हैं? उसी रात राजू रेखा को बहुत मारता है और जब सुबह नेहा देखती है कि माँ उठ नहीं रही तो नेहा चिंता में पड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। इन्हें तो बहुत बुखार है और ये बहुत कमज़ोर है, ये लो दवाइयाँ दे देना और कुछ दिनों तक इन्हें आराम करने लगाओ। उसी दिन शराब के कारण नेहा के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको डॉक्टर महीनों तक आराम करने को कहते हैं। नेहा रात दिन अपने माता पिता की सेवा करती है। ये देख राजू को समझ आता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है और शराब कितनी बुरी। जो शराब मेरी नहीं उसे मैं आज तक अपनी समझता रहा, जिससे मेरी आज ये हालत है, और जो मेरा अपना परिवार था उसे मैं दुश्मनों से भी बदतर बिहेव करता था, और जो मेरा अपना परिवार था उनसे मैं दुश्मनों से भी बदतर बिहेव करा करता था। राजू अपनी बीवी और बेटी से माफ़ी मांगता है। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और वो अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।